सत श्री अकाल, मैं अनीता लटावा, पीजीटी पंजाबी, जवाहर नवोदय विद्यालय चंडीगढ़। आज तुहाडे सामने एक वीडियो लेके पेश हुई हाँ। ये वीडियो टॉय बेस्ड वीडियो है। किस तरह असी खिडौणियां दी सहायता दे नाल अपने विद्यार्थियों नूं पढ़ा सकते हाँ ते उन्हां दे ज्ञान विच वाधा कर सकते हाँ। व्याकरण दे भाग विचों अज नाम अते नाम दी किस्मां बारे असी जानकारी हासिल करांगे। बचपन दे टॉय खिडौणियां दा नाम सुन के सानू सारयां नूं अज अपने बचपन दीआं जिहड़ियां यादां ने ओह याद आ गई होंगीआं, अज असी उन्हां नूं वी सांझा करांगे। नाम दी परिभाषा, आस पास साढ़े जिन्नियां भी वस्तुआं हन ये सब नाम हन। हर वस्तु दा कोई ना कोई नाम है जिस दे नाल उसकी पहचान हुंदी है, उसी नूं नाम कहिंदे हन। किसी व्यक्ति, किसी स्थान, जीव जां भाव दे नाम नूं नाम आख्या जांदा है। आम नाम आख्या जांदा है। नाम दीआं किन्नीआं किस्मां हन? नाम दीआं पंज किस्मां हुंदीआं हन। आम नाम, खास नाम, इकट्ठवाचक नाम, वस्तुवाचक नाम, भाववाचक नाम। आम चीज़ां हैं, वस्तुआं हैं, आम वस्तुआं नूं आम नाम कहिंदे हन, जिवें घोड़ा, कुर्सी, घर, खरगोश, आदमी, औरत, ये सब आम हैं। टैडी बियर। खास नाम क्या है? खास नाम किसी खास व्यक्ति, खास स्थान जां वस्तु दे नाम नूं खास नाम आखदे हन। जदों असीं किसी दी पहचान उसदे नाम तो करदे हन तां ओह खास नाम हुंदा है। खास नाम जिवें मूर्ति है, महान पुरश है, लेकिन असीं इन्हां नूं साईं बाबा जी दे नाम तों जाणांगे, एक खास नाम हो जाएगा। एक खास नाम है जदों असीं इन्हां दा साईं बाबा जी कहा तां एक खास नाम हो जाएगा। अगर असीं मूर्ति कहांगे तां इह आम नाम होएगा। जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी, खास नाम। हाथी, खास नाम। इस तरह असीं खास नाम की पहचान कर सकते हाँ। इकट्ठवाचक समूह विच जो होए, जिवें जमात, फौज, भीड़, ठीक है, परिवार च एक तो वध मैंबर होण, वो की हो गया समूहवाचक। जिस तरह इस टोकरी विच पशु हन, समूह विच सो रहे हन, इकट्ठे हन, सब इकट्ठे आराम कर रहे हन, ये की हो गया इकट्ठवाचक नाम। जो समूह विच इकट्ठे ग्रुप विच होण उन्हां नूं इकट्ठवाचक नाम कहिंदे हन। वस्तुवाचक की हुंदा है? वो चीज़ां जिन्हां नूं तोलिया जमीनिया जाता है, जिवें पत्थर, वस्तुवाचक, दाल, तेल, रेत, सोना, चांदी, कड़े, ये सब क्या है? ये वस्तुवाचक नाम हैं। इन्हां नूं असीं वस्तुवाचक नाम तो जानते हाँ। भाववाचक नाम किस नूं आखदे हन? भाववाचक नाम जिन्हां नूं सिर्फ असीं महसूस कर सकते हाँ, अनुभव कर सकते हाँ, ना तो छूया जा सके, ना पकड़िया जा सके, ना ही देखिया जा सके, उसनों असीं भाववाचक नाम आखते हाँ। जिमें ये औरत खुशी विच नाच रही है, खुशी महसूस कर रही है, ये बहुत खुश है, शायद मौसम अच्छा लग रहा होवे, खुशी इसनों प्राप्त हुई है, ये खुश है, खुशी विच नाच रही है, लाफिंग बुद्धा, खुश हन, अपनी पैसों की पटारी लेके, अपनी झोली लेके मोढ़े उत्ते रखी हुई है, खुश हन, खुशी
खुशी महसूस कर रहे हैं। ये लड़का शांत है, प्रभु की भक्ति विच लीन है, आनंद महसूस कर रहा है। इसनों असी भाववाचक नाम आखांगे। खुशी, गमी, दुख, बुढ़ापा, बचपन, ये सब भाववाचक हैं। इसी तरह असी हरेक भाग को खेडा राही पढ़ सकते हैं। अज असी नाम जिहड़े कीते हैं उन्हां बारे तुहानूं आस है कि समझ आ गई होगी। धन्यवाद।